हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे, मतलब कौन कौन से मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते थे उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहली मेथड थी आपकी फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तीन मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड में हमने आपके साथ डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो आज मैं आपके साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। क्या लिखा है क्वेश्चन? फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें से मैंने आपको बताया था कि एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये जो फॉर्मूला, ये आपका किसका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस इक्वेशन के जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। अब इस केस में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए क्या है, बी क्या है और सी। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणा। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर हो, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर हो वो आपका क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हिंदी में कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणा। इसके बाद बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो एक्स है, एक्स के आगे जो भी नंबर रहेगा, एक्स के आगे जो भी नंबर रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं एक्स का गुणा। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, एक्स का गुणा। ठीक है, थर्ड आता है आपका सी। सी क्या है यहां पर, कॉन्स्टेंट टर्म। सी क्या है यहां पर, कॉन्स्टेंट टर्म, जिसे हम कहते हैं नियत, नियत मान। जिसे क्या कहते हैं, नियत मान। क्लियर हो गया, ए बी सी क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। अब सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, हमको तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत इसलिए पड़ी, समझना आगे फ्यूचर में काम आएगा, जब दो नंबर के फैक्टर करना पॉसिबल ना हो। मतलब जैसे हमने बोला था ना 12, तो 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर तो 12 आए लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर भी 12 आए। ऐसे ही करा था ना फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना आया 12। तो हमने आपको क्या बोला था कि आपको ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 2 आए और जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आए,
जो भी यहाँ पर यदि वन लिखा रहे तो वन आ जाए, टू लिखा रहे तो टू आ जाए, थ्री लिखा रहे तो थ्री आ जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है। तो इस केस में जब फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल ना हो, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल ना हो, तब आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मेथड का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा 2x² - 7x + 3, इसका आपको रूट्स निकालना है, किससे निकालना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से आपको इस इक्वेशन के रूट निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझो कैसे करना है। सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। यदि मैं आपसे a की वैल्यू पूछूं कि a कितना है, तो आप कहोगे सर x² का जो कोफिशिएंट रहता है वो a रहता है, तो यहां पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। सिमिलरली यदि मैं आपसे b पूछूं तो b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है, -7, दैट इज -7। और यदि मैं आपसे c का कोफिशिएंट पूछूं, सॉरी c पूछूं, तो c क्या होता है, c इट इज अ कांस्टेंट टर्म, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, दैट इज अ 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b + √b² - 4ac / 2a, इट इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस फॉर्मूले में ए बी सी का मान पुट कर दो, तो माइनस एज इट इज बी की वैल्यू कितनी है, -7 + √b² मतलब -7² - 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन में कितना है, 2 × a, a की वैल्यू 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आपने कुछ भी नहीं करा, आपने फॉर्मूले में बस a b c का मान रखा है, आपने फॉर्मूले में a b c का मान रखा है, ठीक है। इसके आगे देखो, -7 - 7 दैट इज अ +7, तो x = +7 + -√, ठीक है, यहां पर कितना है, 7 था 49 माइनस 4 + 8 = 24 अपॉन में 2a, मतलब 2 × 4। अब देखिए प्लस माइनस अंडर रूट, 49 में से 24 गए तो 5, और इधर आ जाएगा आपका 2, 25/2, ठीक है। सिमिलरली 7 प्लस, अब 25 के फैक्टर करो, 25 जो रूट के अंदर आया उसका फैक्टर करो, तो 25 का फैक्टर कैसे करोगे, 5 5 5 1, इस तरीके से फैक्टर होता है। तो इस 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 × 5 / 4, 5 × 5 / 4। चलिए आगे देखो, रूट की खासियत क्या होती है, रूट का फंक्शन क्या होता है। यदि रूट के अंदर किसी भी नंबर का पेयर बने, रूट के अंदर किसी भी नंबर का पेयर बने तो वो नंबर बाहर आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि इस रूट के अंदर 5 का पेयर बना, तो 5 कहां आ जाएगा, बाहर, 5 कहां आ जाएगा, बाहर, बाय 4। अब यहां तक सॉल्व करने के बाद आपको यहां पर कितने साइन दिख रहे, 2 साइन दिख रहे, एक पॉजिटिव का साइन दिख रहा है, एक नेगेटिव का साइन दिख रहा है, ठीक है। एक बार आप पॉजिटिव को कंसीडर करोगे तो x = 7 + 5/2, ठीक है, x = 7 + 5 = 12, इससे कैंसिल आउट करोगे तो 6, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6। सिमिलरली यदि आपने माइनस कंसीडर करा तो x = 7 - 5/4, x = 7 - 5/4 sorry / 4a, यहाँ कितना था 4, तो 4 से इसको काटोगे तो 3 आएगा, ठीक है, इधर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सही कर लेना, या अपॉन में 4 था तो 4, 12 से 4 कितनी बार काटोगा, 3 बार, ठीक। यहाँ पर देखो 2, 7 - 5 2/4, 2 से कट करो, 2 × 2 = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2।
तो यहां आप देख सकते हो कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको मैंने शुरू दिन ही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालोगे, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो। हाईएस्ट पावर 2 का मतलब यह होता है कि आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू 3 मिली, एक वैल्यू प्लस 1/2 मिला। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से भी आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बड़े ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है, 2x² + x - 4 = 0। इसके भी आपको रूट्स फाइंड आउट करने विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स फाइंड आउट करने। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, इट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ax² + bx + c = 0। तो यदि मैं आपसे a पूछूं तो a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, x² के आगे कितना लिखा है 2, a बराबर 2। b इज ए x कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणा, x के आगे कितना लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा है। x के आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब कितना लिखा है, 1 लिखा है, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो इन दिस केस यहां पर x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप क्या मानोगे, उसको 1 कंसीडर करोगे। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आई स्टूडेंट, 1। ठीक, सिमिलरली यदि c की वैल्यू पूछूं तो इट इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में कितना है, -4। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b + √b² - 4ac / 2a। वैल्यू रख दो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दिया, प्लस माइनस एज इट इज, √b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4 अपॉन में 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए x बराबर -1 एज इट इज प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 4 = 32 कितना होता है, देखा 4 × 8 = 32, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 32 अपॉन में कितना आ रहा है 4, अपॉन में कितना आ रहा है 2 × 4। आगे देखिए x = −1 + −√33/4. अब आप देखो कि अब मैंने क्या बोला था, 33 का फैक्टर करना, लेकिन 33 का फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन इससे कुछ पेयर नहीं बनेगा। देखो कैसे, 3 से करोगे तो डबल 1 से करोगे तो 1। ठीक है, तो 3 × 11 दैट इज 33। तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी नंबर ऑफ द पेयर नहीं बन रहा, तो इसको फैक्टर करने से कोई भी फायदा नहीं है। तो एक बार आप क्या करोगे, प्लस कंसीडर करोगे, यदि आप प्लस कंसीडर करोगे तो x = −1 + √33/4, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यदि आपने माइनस कंसीडर करा तो x = −1 - √33/4, इट इज द फाइनल आंसर। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी है, एक है आपका x = −1 + √33/4, और दूसरी वैल्यू है −1 - √33/4। क्लियर आउट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या लिखा है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, यदि मैं आपसे a पूछूं तो a क्या होता है स्टूडेंट, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² का गुणांक, और अच्छी भाषा में बोले तो x² के आगे जो है वो वाला, तो x² के आगे कितना है 4, तो 4 इज द वैल्यू ऑफ a, 4 इज द वैल्यू ऑफ a। b, व्हाट इज द b, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x,
बी इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के आगे जो लिखा वो आपका बी, ठीक है। तो एक्स के आगे लिखा कितना, दैट इज द 4√3, क्लियर आउट, दैट इज द 4√3। एंड फाइनली आपको मिलेगा सी। सी क्या है, सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म में कितना है 3, दैट इज द सी की वैल्यू कितनी आई आपकी 3। चलो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलो माइनस बी, माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू दैट इज द 4√3, 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है आपका 4√3, 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, b की, c की वैल्यू 3, ठीक है, अपॉन में 2, a की वैल्यू 4, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब b का स्क्वायर करना है, देखना कैसे करेंगे, 4 4 16, 4 4 16, अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो जब रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 3। माइनस 4 4 16, 16 × 3, चलो 16 × 3 अपॉन में 2 4 8, 2 4 8। आगे देखो दैट इज अ एक्स इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 3 = 40 8 16 3 = 40 8 अपॉन में 8। तो आप देख सकते हो इससे कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास माइनस 4√3 अपॉन में 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4√3, सॉरी एक्स इज इक्वल टू √3/2, माइनस का √3/2। अब आप बोलोगे सर एक्स की तो दो वैल्यू आती है, यहां तो एक ही वैल्यू आई है, ठीक है, तो इस केस में इन दोनों एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस √3/2, एक्स की दोनों वैल्यू क्या होगी, यहां पर रूट सेम होंगे, यहां पर रूट क्या होंगे सेम, माइनस √3/2 माइनस √3/2, क्लियर हो गया। x की हमेशा दो वैल्यू निकलेगी, कब निकलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, तो इस केस में आपके पास माइनस √3/2 आ रहा था, तो हमको तो दो वैल्यू चाहिए, इस केस में सेम रूट मिलेंगे, जो दो रूट रहेंगे वो दोनों रूट आपके कैसे रहेंगे सेम रहेंगे, माइनस √3/2 माइनस √3/2, इट इज द फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए क्या लिखा है, 2x² + x + 4 = 0, फाइंड द रूट्स विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, किस विधि से, फार्मूला विधि से, क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघात समीकरण विधि से इसका मान ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a is the coefficient of x square, x square के आगे कितना लिखा है, that is the 2, b is the coefficient of x, तो b के आगे कितना लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, that is a 1, इसको क्या मानते हैं 1, c is the constant term कितना है 4, तो it is a 4, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -g + -√b² - 4ac / 2a, ठीक है, x = -b की वैल्यू क्या है 1 + -√b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 एज इट इज, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 अपॉन में 2a, क्लियर हो गया यहां तक, अपॉन में 2a। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x = -1 + √1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, माइनस 4 2 = 8 और 8 4 = 32 अपॉन में कितना आ रहा है a की वैल्यू, यहां a की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 2,
2 to the 4 यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x इज प्लस 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 माइनस 1 दैट इज 31। बड़ा वाला नंबर आपका नेगेटिव है, देखना 32 माइनस 1 31, लेकिन बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस साइन अपॉन में 2 to the 4 4, यहां पर आ गया 4। अब आप इस 31 के फैक्टर कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 31 इज द प्राइम नंबर, 31 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का कभी भी फैक्टर नहीं होता, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक बार प्लस को कंसीडर करोगे तो x इज प्लस 2 माइनस 1, यहां पर प्लस लोगे अंडर रूट माइनस 31 बाय 4, फिर एक बार माइनस कंसीडर करोगे तो x इज प्लस 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 31 अपॉन में 4। तो x के आपको दो मान मिल चुके, एक है आपका माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 31 बाय 4 और सेकेंड वैल्यू है माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 31 बाय 4, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक। तो ये है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल। आया समझ में कि विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप किस तरीके से रूट्स को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार आप फिर से करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।